नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है इंडियन डिस्कवरी 92 में। और मेरे को लगता है कि काफी एक साल बाद लोग फिर से देवरूप और देवराजी दो ही घोड़े रह गए अभी तो, है ना। एक तो सेल कर दिया था, तो आप फिर से जो बहुत सारे लोगों ने तो ये घोड़े देखे हुए हैं, पर जिन लोगों ने ये घोड़े नहीं देखे उन लोगों के लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। और जो पुराने लोग हैं, जो भी देखना चाहें तो वो भी देख सकते हैं। तो सर मैं नाम पूछूंगा नहीं, डिटेल पूछूंगा नहीं, क्योंकि वो सब लोगों को याद है। और मैं बार बार पूछी तो लोग कहेंगे कितनी जल्दी तुम भूल जाते हो क्या। मैं बोलता हूँ जो काफी है। तो सर सबसे पहले मैं चाहूंगा कि जो घोड़ा भी अपने सामने खड़ा हुआ, इस घोड़े का नाम बताएं, नाम क्या? इसका नाम है देवरूप। देवरूप, देवरूप। और बाप कौन है सर इसका? इसका है अश्वरूप। अश्वरूप, हाँ। वो है घोड़ा सर अभी? नहीं, वो शांत हो गया। ओके, हाँ जी। और किसके पास में था सर वो? वो गजुबना पोसाणा में पैदा हुआ था, फिर उन्होंने बेच दिया आगे, फिर लास्ट में अहमदाबाद में एक्सपायर हो गया था वो। अहमदाबाद में, हाँ जी। और सर इसकी माँ की बात करें तो? इसकी माँ मेरे पास खड़ी है। आपके पास में? हाँ, इसकी माँ का नाम केसर है। और हाँ, माँ किस लाइन की है सर? वो आलिशान की है। ओके, आलिशान लाइन की। ये पवन का पोता है। पवन का पोता है ये, पाथेड़ी लाइन का है। और सर माँ की जो हाइट है वो कितनी होगी? 62 प्लस है। और बाप की कितनी थी? वो 62 प्लस ही था, वो भी 62 था। हाँ। और इसकी हाइट कितनी है? अभी 65 करीब है। 65 है, हाँ जी। यानी कि दोनों की हाइट को मात दी इसने, हाँ जी। और अगर उम्र की बात कर लें तो सर? उम्र ये अभी हो गया है, चार दांत हुआ है अभी। चार दांत हो गया है, हाँ। और सर मार्किंग में देखें तो मार्किंग क्या है इसकी? दो पांव सफेद और बड़ा पान है और हल्की लाइनिंग है। हल्की लाइनिंग है, ठीक है। बाकी घोड़े का जो एटीट्यूड है वो भी जबरदस्त है। इसकी माँ के पट्टा है, इसके फादर के पट्टा है, इसके दादा नाना नानी सब पट्टे वाले हैं। सब पट्टे वाले हैं, हाँ। तो अभी इसके बच्चे भी पट्टे वाले ही आ रहे हैं मेरे पास। तो सर वाली घोड़ियों पे भी पट्टे आ रहे जाते। तो सर अगर बात करें, सबसे पहले हम इसकी कवरिंग फीस की बात कर लेते हैं, हाँ जी। रिजल्ट की भी बात करेंगे, तो कवरिंग फीस क्या रख रखी है? अभी 51,000 रख रखी है। 51,000, हाँ जी। तो सर पहले तो कम थी, अभी बढ़ोतरी कर दी है क्या, महंगाई के हिसाब से? कैसे? महंगाई के हिसाब से। और लोगों को क्या है, जो मैंने ये ऑब्जर्व किया है, जिस घोड़े की रेट फीस कम हो उसको लोग पसंद नहीं करते। अच्छा, लोग घोड़े को कम फीस को ज्यादा देखते हैं। कोई 1,00,000 लेता है इसका मतलब वो घोड़ा बढ़िया, 2,00,000 ले तो और ज्यादा बढ़िया, ऐसी मानसिकता लोग घोड़ों वालों में ज्यादा है। यानी कि क्वालिटी नहीं चाहिए लोगों को, फीस ज्यादा चाहिए। हाँ, बस फीस ज्यादा दे तो वो खुश रहते हैं। तो मैंने सोचा भाई दुनिया में जो सिस्टम चल रहा है अपन भी थोड़ा उसको फॉलो करें। तो सर जब फीस की बढ़ोतरी करी तो फिर कवरिंग की रेशो बढ़ी क्या? नहीं बढ़ी, डबल हो गई। डबल हो गई। घोड़े जो पहले आती थी उसे डबल आ रही है। डबल आ रही है, हाँ। खाली फीस बढ़ाने से, हाँ। इसकी दो बार फीस बढ़ी है। पहली बार तो शायद आपने पिछली बारी बढ़ाई थी, 21,000 थी, हाँ। जब कम घोड़े आती थी, हाँ। फिर जैसे 31,000 करी तो घोड़े ज्यादा आने लगी। अच्छा, फिर 51 करी तो और ज्यादा आने लगी। और ज्यादा आने, मैंने कहा यार जब पब्लिक को पैसा ही ज्यादा देने में खुशी है, हाँ, तो अपन भी चलो अपना भी फार्म का खर्चा निकले। और उसके अलावा ऊपर वाले की कृपा है, जो भी फीस दे रहा है उसकी फीस जाया नहीं जा रही, रिजल्ट बढ़िया आ रहे हैं, रिजल्ट अच्छे आ रहे हैं, हाँ जी। तो सर अगर हम अब अभी बात कर लें इसके रिजल्ट की, हाँ जी, तो मार्केट में ये कितनी घोड़ियां कवर कर चुका है और कितने रिजल्ट इसके मार्केट में अभी तक आ चुके हैं? अभी तक इसे 60-65 घोड़ियां लगभग, मेरे को इतना याद नहीं रहता है, 60-65 घोड़ियां अभी तक इससे कवर हो गई है। और रिजल्ट कितने आगे होंगे? रिजल्ट आगे होंगे 15-20 है, कभी 15 रिजल्ट तो आ चुके हैं। और आपके पास में कितने रिजल्ट खड़े हैं? मेरे पास अभी करंट में 4 खड़े हैं, बाकी तो मैंने सेल कर दिए। ओके, करंट में आपके पास में 4 हैं, हाँ जी। तो 4 में क्या क्या सर, एक बार उनके बारे में? 4 में 3 तो फिलिये है, एक कोल्ट है। एक कोल्ट है, हाँ जी। तो सर जो इसकी जो एक ब्लैक बच्ची अभी हमारे सामने खड़ी हुई है, हाँ जी, तो इसके बारे में एक बार, हाँ, डिटेल बताएं कि इसकी वो है, उसका नाम है देवकीर्ति। देवकीर्ति, हाँ। वो अभी अपन गुजरात में जो शो लगा था, हाँ, उसमें कंपटीशन में लगाई थी, थर्ड आई थी वो, फर्स्ट बच्ची है इसकी, हाँ जी। तो वो आपने सेल नहीं करी है ना? नहीं, अभी तक मेरे पास ही है। एक बच्चा मैंने जो सेल किया है अपने यूपी शामली में, सौरभ जी उनके पास है, जो रिंगो में भी आता रहता, हाँ, है ना? वो अभी 400 में विनर रहा है, कहीं सेकंड कहीं थर्ड, अभी स्टार्टिंग, अभी अदंत है वो भी, और मेरे पास बच्चे हैं सब अदंत है। ओके, हाँ जी। और सर और रिजल्ट की बात करें तो एक, हाँ, आप एक अबलक भी मेरे पास है, एक कुमैद है और एक ब्लैक बच्ची है। तो सर अबलक की क्या उम्र हो गई होगी? अबलक अभी करीब होगी वो 23-24 मंथ की है।
तो सर अबलक की माँ अबलक की थी क्या? हाँ, उसकी माँ अबलक थी। अबलक थी, हाँ। और तो इसकी माँ किसके पास में अभी? वो हमारे मित्री है, पास ही है, 5-6 किलोमीटर दूर। 5-6 किलोमीटर सुरेश जी है, कुमावत उनके पास है। ओके, तो सर जो इसकी आप पहली बच्ची बता रहे हो, इसकी हाँ क्या हाइट है? वो अभी 62 प्लस है, मिल्क टीथ अभी 26 महीने की है करीब। ओके, और आपके पास में जो और दो बच्ची और एक बच्चा? एक 24 महीने की बच्ची है। ओके, और एक बच्चा है 4 महीने का, और एक 3 महीने की बच्ची है। 3 महीने की बच्ची, बाकी जो बीच में जो थे जो अपन ने सेल कर दिए। सेल कर दिए, हाँ। तो अभी भी सर जैसे ये अबलक और ये, मैं वैसे सेल परचेज के बारे में न बात करता न मैं करता, पर जब भी मैं आजकल पूछ लेता हूँ, क्योंकि लोगों की बहुत सी बार डिमांड आती है, वरना लोग क्या करते हैं फिर उस ऑनर को परेशान करते हैं, तो मैंने उससे बड़े उस ऑनर की परेशानी खत्म हो जाए। सही सही। तो जैसे कि जो रिजल्ट हम लोगों को दिखा रहे हैं, इसमें से कोई सेल के लिए है? वैसे क्या, वो बच्चे अपन रिंग के लिए तैयार कर रहे हैं, शो के लिए। ओके, उस बच्ची को अभी गुजरात में लगाई थी, एक को वहाँ थर्ड आई थी। ओके, और एक अबलक है उसको, और अभी दोनों मिल्क टीटी है, उसको शो में लगाएंगे। तो अबलक भी कोई एक्स्ट्रा कोई आ जावे तो अबलक भी सर कितनी रिंगों में जीती हुई है? नहीं नहीं, अबलक तो अभी फर्स्ट बार अबलक, अभी बच्ची अब लगेगी। अच्छा, हाँ, अभी 23-24 महीने की है। जो पहली बच्ची है वो लगा चुके हो? एक बच्ची गुजरात में। हाँ, तो सर अगर बात करें इस घोड़े की, हाँ जी, रिंग के मामले में, हाँ जी, तो क्या है इसका अभी तक का? अभी तक इसने 10 शो विनर रहा है। 10 शो विनर, हाँ जी। ओके, और कहीं फर्स्ट रहा है, कहीं सेकंड रहा है, कहीं थर्ड रहा है। और आपने तो अदंत में से ही लगाना चालू कर दिया? अदंत में से, हाँ जी। तो अभी भी सर जैसे कि 100 आने की प्रक्रिया चालू होने वाली है। हाँ, हाँ, हाँ। और पिछली साल मेरे को लगता है 10 शो हुए थे, और इस बार मेरे को लगता है कि 1500 होने वाले हैं। हाँ। जैसा कि मेरे को लग रहा है। हाँ। तो इस बार भी इस घोड़े को लोग शो में देख पाएंगे कि नहीं देख पाएंगे? अब मैं सोच रहा हूँ, इसको इतने शो में लगा दिए है, हाँ। तो अब इसको अपन होल्ड करते हैं, इसके बच्चों को अपन रिंग में लगाएंगे। रिंग में लगाएंगे, हाँ जी। तो सर मेरे को एक चीज इसके बारे में बताओ, डिस्प्ले जरूर करेंगे। बाकी जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, मैं उनको एक चीज ये बता देता हूँ कि बहुत सारे लोग होते हैं जो रिंग में एक बार घोड़ा घोड़ी लेके जाते हैं, 2 बार लेके जाते हैं और परेशान होकर घर बैठ जाते हैं, तो उन लोगों को सर से सीखना चाहिए। तो सर मैं जानना चाहूंगा कि रिंग की आज की जो हालत है, असलियत, वो आप लोगों के सामने रखें, और आदमी अपना मनोबल ना तोड़े तो उनको मोटिवेट अगर वो हो, और कैसे मोटिवेट रहे उनके लिए भी ये बात बताएं। मेरा तो ये है मानना, रिंग में देखो, रिंग में सब तरह के कंपटीशन होते हैं। बिल्कुल, कई बार परिस्थितियों के हिसाब से डिसीजन भी हो जाते हैं, कई बार जज किसी के प्रभाव में आके या कोई भी कारण होता है उसमें 19-20 कभी कभी हो जाता है। ऐसा नहीं कहते हर जगह डिसीजन गलत होते हैं, पर होते हैं, गलत भी होते हैं। बिल्कुल, तो मेरा तो यही है, हिम्मत है मर्दा मदद है खुदा। आप हिम्मत करते रहो तो ऊपर वाला जरूर हेल्प करता है। मैं तो हर रिंग में लेके जाता हूँ, नंबर लगता है, ठीक नहीं लगे तो ठीक, कहीं फर्स्ट आ रहे हैं, कहीं सेकंड आ रहे हैं, कहीं थर्ड आ रहे हैं, और अभी तक ऊपर वाले की कृपा है, खाली हाथ नहीं आए। तो सर कुछ नंबर मिलता ही मिलता है। कितनी बार फर्स्ट बन चुका है और कितनी बार सेकंड? ये 2 बार तो फर्स्ट बना है। ओके, और करीब 7 बार सेकंड रहा है, और 1 बार थर्ड रहा है। 1 बार थर्ड रहा है, हाँ जी। तो सर रिंग में जाने और ले जाने में कम से कम कितना खर्चा हो जाता है? ज्यादा से ज्यादा की नहीं पूछ रहा, कम से कम कितना खर्चा हो जाता है? कम से कम तो जैसे यहाँ पुष्कर लेके जाते हैं, हाँ, तो 10,000 तो किराया रहता है। अच्छा, 5,000 जाने का। ओके, 5,000 आने का। वो आपकी खुद की गाड़ी इसलिए, हाँ, या दूसरे की किराए पे लेके जाओ तो लगभग 7-8 हजार के करीब आ जाता है। तो सर रिंगों में जैसे कि जो नए लोग अभी घोड़ा घोड़ी लगा रहे हैं, हाँ हाँ, तो वो लोग जैसे 1-2 बार घोड़ा घोड़ी लगाते हैं फिर परेशान हो जाते हैं, हाँ, तो उन लोगों के लिए क्या कहना चाहोगे? मेरा तो सबसे पहले उनको यही कहना है, हाँ, सबसे पहले आप जो भी घोड़ा या घोड़ी या बच्चा बच्ची चूज करो, उसके पीछे का बैकग्राउंड देखो, उसके माँ और बाप को, बिल्कुल, वो क्या साइज के हैं, वो क्या कट पॉइंट के हैं, उसी हिसाब से आप परचेज करो, या ब्रीडिंग भी करो तो आपके पास घोड़ी है तो घोड़े को ऑब्जर्व करो, घोड़ी को ऑब्जर्व करो, भाई घोड़े में क्या प्लस पॉइंट है और घोड़ी में क्या माइनस पॉइंट है। उसका कोई भी बच्चा बच्ची होगा, उस पर आप मेहनत करोगे तो आपको रिजल्ट मिलेगा। बिल्कुल, ऐसा नहीं कि आपने कीमत दे के घोड़ा खरीद लिया और सोचो ये हर शो में विनर रहेगा। कीमत का मेरा कहने का ये, आप 1 करोड़ का भी घोड़ा ले लो, ये 1 लाख रुपए का ले लो, अगर उसमें वो फीचर्स नहीं है, उसमें वो क्वालिटी नहीं है, तो वो शो में फाइट नहीं कर पाएगा। तो थोड़ा सा तसल्ली से ढूंढ के कोई भी घोड़ा घोड़ी लो, बच्चे बच्ची लो, तो थोड़ा सा आराम से सोच के उसकी 3-4 जनरेशन देखो,
फिर उसको लो, उस पर मेहनत करोगे तो आपको 100% रिजल्ट मिलेगा। तो सर जैसे मैं एक चीज और पूछना चाहूंगा, हाँ जी, जैसे आज के टाइम में मार्केट में किसी के भी पास जाओ, हाँ, वो खाली यही कहता हुआ मेरे को आज तक मैंने सुनाई दिया है, खाली 10% लोगों ने बोला होगा कि भाई साहब ये बच्चा रिंग के हिसाब से नहीं है, हाँ। बाकी 90% बच्चे लोग बोलते कि भाई रिंग के हिसाब से, हाँ। तो क्या मार्केट में एक दिन में 100 बच्चे अगर पैदा हो रहे हैं तो 90 हाँ। बच्चे क्या रिंग क्वालिटी वाले पैदा होते हैं? नहीं होते हैं ऐसा, ये गलत है। 100 में से 10 बच्चे रिंग क्वालिटी होते हैं, वो 90 नहीं होते। अगर वो कहते हैं वो गलत है। तो बाकी लोग जब ले तो लेने से पहले वो अपना भी खुद का विवेक भी लगाएं और 4 आदमी से पूछ के ले, पूरी जानकारी ले और सही तरीके से देख के ले। आपको नॉलेज नहीं है तो किसी नॉलेज वाले बंदे को रखो साथ, नॉलेज वाले को, हाँ, तो वो आपको सही गाइड करेगा। और कई बार आदमी सोचता है, मैंने ये ऑब्जर्व किया है कि बहुत से लोग सोचते हैं कि यार 1,00,000 का बच्चा ले लें और मार्किंग बढ़िया है, क्या है, पंच कल्याण है, ये है वो है वैसा, और सस्ता मिल रहा ले लेते हैं, फिर उस पर मेहनत करते हैं, पीछे का बैकग्राउंड देखते नहीं है, बिल्कुल, और फिर वो आगे जाके बनते नहीं है, बनते नहीं तो वो हतोत्साहित हो जाते हैं, 1 शो में लगाएंगे 2 में लगाएंगे 3रे में तो वह निकल जाएगी। तो मेरा यही है कि भाई आप कोई भी जानवर कहीं से भी खरीदें, थोड़ा सा सोच समझ के जो बच्चा ले रहे हैं उसके 3-4 जनरेशन आगे पीछे की, उसके भाई बहन या माँ बाप, ये थोड़ा सा देख के लें, फिर उन पर मेहनत करें तो 100% आपको रिजल्ट मिलेगा। तो सर मैं एक चीज और पूछना चाहूंगा आपसे रिलेटेड है, हाँ जी, जब देखो बहुत सारे लोग आज रिंग में अगर उनका घोड़ा सेकंड भी आ जाता है तो वो बहुत गुस्से में आके गर्म हो जाते हैं, हाँ, आपके साथ में ऐसा बहुत बार हुआ है, हाँ, तो आप अपना गुस्सा कैसे कंट्रोल कर लेते हो? अरे ये तो ऊपर वाले की कृपा है जी। कभी आपके चेहरे पे मैंने कभी गुस्सा नहीं देखा रिंगों में कि यार मेरे घोड़े के साथ ऐसा कर दिया, या 4 लोगों को आप बोलो कि यार मेरे के साथ ऐसा हुआ है तुम चलो मिलके, मैंने कभी आपके चेहरे पे ऐसी चीज ही नहीं देखी। यानी कि अगर मान के चलो जजों ने आपके घोड़े को 6वीं पोजीशन पे भी दे दिया, 10वीं पे भी दे दिया, आप खाली लेके और आ गए, और ऐसा भी नहीं करा कि भाई मैं पुरस्कार नहीं ले रहा, कभी ऐसा भी नहीं करा मेरे को लगता है ना, तो कैसे कंट्रोल कर पाते हो? क्योंकि ये भी देखता हूँ, देखो बहुत सी चीजें, एक चीज ईमानदारी की बात है, कई बार अपने हर घोड़े वाला अपने घोड़े घोड़ी को फर्स्ट ही समझता है कि मेरा फर्स्ट है, बिल्कुल, बहुत सी चीजें अपने को नहीं दिखती है जो जज को दिखती है, बिल्कुल, तो जज ने अगर कोई चीज अपने से कोई गलती हो गई है प्रेजेंट करने में है, घोड़े के एटीट्यूड में हो सकता है, जैसे आज ये घोड़ा अभी प्रेजेंट कर रहा है, बिल्कुल, और जैसे शो में ले जाते हैं वहाँ के वातावरण वहाँ के माहौल के हिसाब से ये सेट नहीं होता है, डिप्रेशन में आ जाता है, कई बार ट्रैवल्स में जो सफर करते हैं उसमें घोड़े लग भी जाती है कई बार, तो घोड़े क्या प्रेजेंट नहीं कर पाते, बिल्कुल, भाई घर पे तो अच्छा प्रेजेंट कर रहा है, वहाँ अच्छा प्रेजेंट नहीं करेगा नंबर कट जाएगा, बिल्कुल, उसमें नाराज होने की बात नहीं। तो मेरा तो यही है कि भाई हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, यानी कि कुल मिला के एक रिंग में लगाते रहो, हाँ, किसी से लड़ नहीं, कल नहीं परसों बस कभी ना कभी आपका घोड़ा फर्स्ट सेकंड थर्ड जिस पोजीशन पे आने के लायक है बिल्कुल आएगा। बस ये है कि थोड़ा सा ये अपने को ध्यान रखना है कि भाई अपना नंबर कम आया है, तो सबसे पहले अपने घोड़े को आप ऑब्जर्व करो किस वजह से कम आया है, यानी कि अपने घोड़े पे मेहनत, हाँ, कि भाई इसका बॉडी वेट ज्यादा है तो कम करो, कम है तो वेट बढ़ाओ, बिल्कुल, और भी जैसे उसका एटीट्यूड क्यों नहीं आ रहा है तो उसके स्वभाव को थोड़ा चेंज करो, उस पर मेहनत करो, बिल्कुल, वो जरूरी है। बाकी मैं जो भी लोग हैं, देखो फिर से रिंग चालू होने वाली है, वैसे लोग कह देते हैं कि मैं कंट्रोवर्सी वाली बातें करता हूं, तो मैं हाँ लोगों को कहता हूं कि हाँ मैं कंट्रोवर्सी वाली बातें करता हूं पर लोगों के हित के लिए। तो जो इंडिया के जो जज हैं वो अभी फिर से रिंग आने वाली है, तो मैं उनको कहना चाहता हूं कि भाई पहले तुमने जो भी फर्जीवाड़ा करा पैसे लेके या कैसे भी वो चलेगा, पर अब फर्जीवाड़ा मत करना, क्योंकि आपको पता है कि घोड़ा मार्केट का तख्ता पलट चुका है बेटा, तो जैसा अभी डीएनए में होने के लिए मिल रहा है वैसा रिंग में ना मिले तुम्हारे साथ, तो इसलिए जो भी जज रिंग में जाए तो अपनी पूरी ईमानदारी के साथ में जजिंग करे तो बहुत अच्छा, इससे घोड़ा मार्केट आगे ही बढ़ेगा। और सारे जो नए लोग हैं रिंग में, मैं कहता हूं कि अगर जजिंग अच्छी होने लगी तो वो दिन दूर नहीं जब जजिंग 2-2 दिन चला करेगी, इतने घोड़े लगना स्टार्ट हो जाएंगे। बिल्कुल, तो सही कह रहा हूं, एक चीज मेरे को भी याद आ गया इसी संदर्भ में, मैं कहना चाहता हूं जो जज है इंटेंशनली किसी भी जानवर का हक मारते हैं तो अस्तित्व उनको कभी माफ नहीं करेगा, बिल्कुल, मेरा कोई बुरा करे चल जाएगा, पर मेरे घोड़े का अगर कोई बुरा जानबूझकर उसको अगर नुकसान पहुंचाए दुश्मनी के कारण, हाँ, किसी कोई भी कारण हो सकता है, पर उसको ना देखना, सिर्फ घोड़े को देखना, घोड़ा जैसा है वैसा
ही उसको नंबर देने चाहिए। अगर जो गलत करेगा तो अस्तित्व कभी उनको माफ नहीं करेगा। ऊपर वाले के यहाँ देर है, अंधेर नहीं है। और आप मैंने ऐसे कई घोड़े वाले देखे हैं जजिंग करने वाले, जो जजिंग करते हैं और उनकी दुकान में कोई माल नहीं है, उन्होंने जिंदगी में कोई अच्छे एक दो कोई पैदा हो गए होंगे गलती से, बस उसके बाद जब से वो बुरा करने लगे उनके घर पे कोई अच्छे बच्चे या अच्छे घोड़े नहीं बने। बिल्कुल। और जो बन रहे होंगे बाय द वे तो उनके पूर्वजों के, और बाकी जो भी लोग इंडिया के अंदर रिंग स्पॉन्सर करते हैं या जो ऑर्गेनाइज करवाते हैं, उन सारे लोगों को मैं एक चीज और बता दूं कि देखो रिंगों के अंदर आजकल बहुत सारे ऐसे भी जज बने हुए हैं जो बड़े ब्रीडरों के बालों पर लटके हुए और उनको जज बना दिया जाता है। तो ऐसे लोगों को जज बनाना बंद करें, वरना ऐसे लोगों का भी आने वाले टाइम में इंडियन डिस्कवरी खुल के विरोध करेगा, जैसे ठगी वाले और झूठ वाले लोगों को कराए। तो फिर आने वाले टाइम में ये मत बोलना कि प्रदीप भाई आपने ऐसा क्यों कर दिया। तो ऐसे लोगों को जज बना बनाए जो दूसरे के घोड़ोगड़े के साथ में नाइंसाफी करते हो। ऐसे लोगों को घोड़ा डिजर्व करे, बस उसको देना चाहिए, किसी का भी हो, किसान का हो या किसी राजा किसी का भी हो। हाँ। पर ये कि जो अच्छा घोड़ा है वो सामने आना चाहिए, उसका हक नहीं मारना, बस और क्या। ओके, थैंक यू सर। बाकी रिंग के बारे में इतना बोलने के लिए शुक्रिया, क्योंकि बहुत सारे लोगों को भगवान ने जवान तो बख्शी है पर बोलने की हिम्मत नहीं बख्शी है। तो मेरा ये कहना है कि अब तो घोड़ा मार्केट जागरूक हो चुका है और मेरे को लगता है कि अभी तो घोड़ा मार्केट में कोई भी आदमी अगर झूठ बोलेगा तो वो 1,00,000 बार और 1 महीने तक सोचेगा मैं बोलूं या नहीं बोलूं। उसके बाद में वो झूठ बोलेगा। तो मेरे को लगता है कि अब झूठ का थोड़ा सा अंत स्टार्ट हो चुका है। बिल्कुल बिल्कुल। और घोड़ा मार्केट और मेरे को लगता है कि तरक्की की जो बुलंदियां है उस पर जाने वाला है। बिल्कुल, हमारी शुभकामनाएं, आपकी मेहनत सफल रहे, आप जो प्रयास कर रहे हैं ऐसे ही करते रहे और सच का साथ देते रहे। बिल्कुल। थैंक यू सर।